कोई फॉर्मूलीज भेजे थे, हैव यू नोटेड डाउन दैट? यस मैम। उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हमें आज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इट्स अ पार्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जो हमने मॉड्यूल 4 में किया था मैक्सिमा मिनिमा, उसी का कंटिन्यूएशन है मॉड्यूल 4 का। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन आपको पता है ना? ओके, स्क्रीन इज विजिबल? स्क्रीन दिखाई दे रही है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमें nth ऑर्डर हमें पता है ना, वाई वन डी वाई बाय डी एक्स, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी थ्री वाई बाय डी एक्स क्यूब, ऐसे नेक्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, सिक्स्थ डेरिवेटिव, अप टू nth डेरिवेटिव वी कैन फाइंड आउट। आगे भी कर सकते हैं n प्लस वन, आगे का क्या आएगा? n के आगे n प्लस वन, n प्लस टू, और पीछे नेक्स्ट प्रीवियस क्या आएगा? What is the previous derivative of this? N minus two. Derivative क्या आएगा? बोलो। हाँ? N minus one. N minus one. N minus one. उसके पहले n minus two. आपको पता है ना, अगर मैं x cube लेती हूँ तो x cube का derivative क्या आता है? फर्स्ट डेरिवेटिव 3x स्क्वायर y1, फिर y2, फिर y3, लाइक दिस सेम। ओके, सो y1, y2, y3, y4, तो 4 के पहले का 3 होता है ना, सो दैट इज n माइनस वन, सो n माइनस वन, फिर उसके पहले का y1 दैट इज n माइनस टू। देखो dy by dx को हम डिनोट कर सकते y1 से, d2 y by, ये नोटेशन अभी y1 y2 we are going to use, so y2 y3 yn minus 1 yn yn plus 1, so नोटेशन सिर्फ लिखा है एंड उसके बाद फॉर्मूलेज नोट डाउन किए थे। वन फॉर्मूला आई विल एक्सप्लेन, ax plus b raise to power m then yn is equal to m m minus 1 m minus 2, how to remember, लर्न कैसे करना है, एम एम माइनस वन एम माइनस टू ए रेस टू एन एक्स प्लस बी रेस टू एम माइनस वन इफ एन इज लेस देन एम। ओके, नाउ द सेम फॉर्मूला फर्स्ट एंड थर्ड अगर आपने रीड किए होंगे, इज इट सेम फर्स्ट एंड थर्ड, वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम और एक्स प्लस बी रेस टू पावर एम, इज इट सेम x raise to m, m m minus 1, m minus n plus 1, x raise to m minus n, ये देखो, if n is less than m. Now let's see the first formula only, and other formulas, we don't have that much time, और आपको इसका proof नहीं है, ये जो formulas के examples हम करेंगे, इसके ऊपर 3 ही marks हैं, इसके मोस्टली एग्जाम्पल्स इसके ऊपर इस चैप्टर पे आपको दो क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे एग्जाम में, एक ऑब्जेक्टिव में जाएगा 2 मार्क के लिए, ठीक है, और एक इसके बाद फॉर्मूलिस के बाद जो हम लेबनिस थ्योरम के एग्जाम्पल्स करने वाले वो 5 मार्क्स के लिए और 6 मार्क्स के लिए आएगा सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव ऐसे एग्जाम रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको सेंड किए, उस टाइप के आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, सो मोस्टली एवरी टॉपिक से आपको दो दो तीन तीन 5 टॉपिक्स है ना, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव में ही जाएगा, अभी 10 फॉर्मूलीज है, 10 के ऊपर हमें अभी एक ही क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का, सो दैट मच टाइम देन वेयर टू अलॉट फॉर टेकिंग दिस। ओके, तो शैल आई एक्सप्लेन वन फॉर्मूला और विल गो डायरेक्टली फॉर द फॉर्मूलीज? डू यू वांट वन एक्सप्लेनेशन? यस बोलो, शैल आई एक्सप्लेन वन फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम, विथ एग्जांपल। ओके, पहला फॉर्मूला था एक्स प्लस बी रेस टू पावर एम, सी आर एवरीवन, आई विल टेक this. Now see, in first we'll take this.
If I am having 2x plus 3 raised to power 3, ax plus b, what is the value of a? 2. 2. What is the value of b? 3. ax plus 3. B, what is the value of b? 3. And what is the value of m? Abhi ye 3 nahi lete hum. वैसे बी का कोई रोल नहीं है, इसको वन ही लेते, ठीक है. और दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, एम. एग्री. सो अगर अभी मुझे इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस? आई विल डिनोट वाई वन. हाँ बताओ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? यस, बोलते जाओ. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 स्क्वायर? 3 इनटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर इनटू, इज इट कंप्लीटेड? इनटू, इसका डेरिवेटिव आएगा ना 2x प्लस 1 का, दैट इज 2, करेक्ट? इज इट करेक्ट? अभी y2 क्या आएगा इसी का? y2 सेकंड डेरिवेटिव राइटिंग इन द सेम मैनर, हा 3 इंटू, हाँ बोलो, 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 2x प्लस 1, इज इट लाइक दिस? इंटू ये 2 एज इट इज इंटू, बोलो बाकी लोग, इंटू टू, इंटू टू, इतना डेरिवेटिव नहीं आएगा तो आगे का कैसे आएगा? ये देखो, ये थ्री एज इट इज, टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव होता है टू इंटू टू एक्स प्लस वन, ये टू एज इट इज, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव अगेन टू, राइटिंग इन वन प्रॉपर मैनर, बिकॉज इससे हमें फिर फॉर्मूला अगर एक्सप्लेन करना है. शैल आई टेक द नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑल्सो? बाय थ्री. अभी बाय थ्री क्या आएगा? थ्री इंटू टू एज इट इज, ठीक है. ये टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा? मैंने किसी को मल्टीप्लाई नहीं किया नंबर को. टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव टू. ओके, सो आई एम राइटिंग एज इट इज इन टू इंटू, ये टू इंटू टू भी मैं एज इट इज लिख रही हूं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया. And what is the next derivative? What is the next derivative? Zero. Zero, correct. Y4 is zero. How many derivatives exist? What is the value of M here? How many derivatives exist? Ye 1, 2, 3, 4 kya hai? 1, 2, 3, 4 is what? Derivatives. Order of all derivatives. Means M ki value ho gayi? Y1? y2, y3, y4, order of the derivative is denoted by n, and power, power is denoted by m. Ye dekho, this is m, this is m, and this is n. Order of derivative is what? N. Remember this, that's why we are saying nth order derivative, and power is denoted by m. How many derivatives exist when m is equal to what? 3 power a, 3 derivatives exist to a. So, shall I write m is equal to n? M is equal to n. 3 derivatives exist. So, a power is 3. Order of derivative is 3. So, m is equal to n. Tak derivatives exist to a. What is here? Yahan pe condition kya thi? Order of derivative kya hai? 2. So what I will write here, m and n ki, m and n mein agar relation likhna hai, shall I write m is less than, n is less than m? Can I write n is less than m here? Yes ma'am. Okay, aur yaha pe m is equal to n, what is the condition here? N is greater than m. Agree everyone up to this? Got this? Simply derivatives liye. अभी हमारा फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज अवर फॉर्मूला व्हेन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, और ऐसे सब फॉर्मूले जनरेट हुए,
ओके आई एम एक्सप्लेनिंग वन फॉर्मूला ओनली. हमने फॉर्मूला लिखा था वाई एन इज इक्वल टू एम एम माइनस वन व्हेन वाई इज इक्वल टू व्हाट व्हेन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी रेस टू पावर एम. तब मैंने वाई एन का फॉर्मूला लिखा था एम एम माइनस वन एम माइनस टू अप टू व्हाट एम माइनस एन प्लस वन. टर्म नहीं लिखे तो भी चलता है अप टू ए रेस टू एन. ठीक है एक्स प्लस बी रेस टू पावर व्हाट एम एम माइनस एन व्हेन एन इज लेस देन एम. ये फॉर्मूला दिया है मैंने आपको इज इट दिस. उसी का सेकंड केस हमने लिखा था इक्वल टू जीरो इफ एन इज ग्रेटर देन एम. उसी का थर्ड केस. इतना वन टू थ्री केस याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ फर्स्ट केस याद रखते तो भी बिकॉज हमें वही यूज करना है. और थर्ड केस हमने लिखी थी एम फैक्टोरियल ए रेस टू एन. क्लियर. जब आपका एन लेस देन एम है, एन लेस देन एम लिखो या एम ग्रेटर देन एम एन लिखो, वन एंड द सेम इज इट. अभी एक एक यहाँ पे एग्री करो. देखो होता है क्या टैली. सेकंड एंड थर्ड पहले बता देती हूँ, बाद में फर्स्ट पे जाते. इज इट एन ग्रेटर देन एम के लिए हमारा जीरो आया है. आया था क्या? Yes, ma'am. N greater than M, जब आपका order of derivative greater than power हो जाता है तो आपका answer आता है zero. Always, power से ज्यादा जब order का derivative लेता है तो every time you know it is a zero. So how many derivatives always exist when it is M is equal to N? Okay, when M is equal to N, we are getting what? Sorry, this is M is equal to N की condition होगी ना? This is first condition m less than n cube. This is m is equal to n key condition. So this is over. This is over. Everyone agree with this? Okay. Yes. Now अभी ये लेते m factorial a raised to n when m is equal to n. हमारा answer आया है क्या देखते हैं. हमारा answer m is equal to n के लिए ये था. Can I write this is nothing but 3 into 2 into 2 into 2 into 2. अब ये जो टू था ये इसी का पार्ट था. ये जो टू था ये इसी का पार्ट था या नहीं देखो यहाँ पे. हाँ ब्रैकेट नहीं करती हूँ. ये थ्री ये टू एज इट इज. ये जो टू था ये इसका डेरिवेटिव था या नहीं बोलती जाओ. ये जो टू है ये इसका डेरिवेटिव है और ये भी पहले के टू टू टू. नाउ अगर मैं इसको एक्सप्रेस करती हूँ एम ए की वैल्यू क्या थी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. हमारे लिए ए की वैल्यू क्या थी टू. सो कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट देखो अभी यहाँ पे ये थ्री इंटू टू तो पावर का पार्ट था बट ये टू 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 इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ. अभी इज इट थ्री और आपका एम फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू एन हुआ क्या. आपका एम क्या था. आपका एम क्या था थ्री था. थ्री फैक्टोरियल. ए क्या था टू. टू. सो एन क्या है. व्हाट इज योर एन. व्हाट इज योर एन. एन क्या है थ्री. थ्री. शैल आई राइट थ्री. थ्री फैक्टोरियल ये टू टू टू. कैन आई राइट टू रेस टू थ्री. देखो अभी आ रहा है क्या. थ्री फैक्टोरियल इज व्हाट. थ्री फैक्टोरियल क्या होता है. थ्री इंटू टू इंटू वन. और टू क्यूब क्या होता है. टू इंटू टू इंटू टू है आपके पास. है क्या. इज इट देयर. यस मैम. यस. सो एम इज इक्वल टू एन जब आएगा तब एम फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू एन. जिनको इंटरेस्ट है कि हाउ द फॉर्मूला कम्स उन्हीं के लिए एक्सप्लेनेशन है. बाकी अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो फॉर्मूला लर्न करो और अप्लाई करो.
बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि एम कहाँ से आ रहा है, एन कहाँ से आ रहा है, फैक्टोरियल क्यों आया, ए रेस टू एन क्यों आया, उनके लिए एक्सप्लेनेशन है. आर यू एग्री विद दिस? दोनों कंडीशन हो गई, m इज इक्वल टू n हो गया, n इज ग्रेटर देन m हो गया. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन, क्लियर? अभी इसको रब करते हैं सब एवरीथिंग. अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो था आपका फॉर्मूला व्हेन y इज इक्वल टू ax प्लस b रेस टू पावर m, ax प्लस b रेस टू पावर m, तो फॉर्मूला आता है ये वाला. देखो अभी ये और ये, ठीक है, ये और ये देखो. हाँ, एम एम माइनस वन एम माइनस टू, मैं इसी के नीचे लिख रही हूं. हमारा एम थ्री था, हमारा एम थ्री था, इज इट? सो दिस इज अवर एम. इज इट दिस इज अवर एम माइनस वन? है क्या है? Yes. अभी हमारे पास, हमने सिर्फ थ्री लिया है तो आगे m माइनस टू वगैरह नहीं आएगा. जहां तक आता है वही तक m m माइनस वन ये आगे चलता रहेगा. हमने क्योंकि अनएंडिंग लिखा है, मींस हम nth डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो ये टर्म्स आते रहेंगी. जितना पावर बढ़ा, सपोज मैंने फाइव लिया तो m माइनस टू की भी टर्म आएगी, बट मैंने थ्री लिया है तो मेरे पास m आ गया, m माइनस वन आ गया. अभी मुझे चाहिए a रेस टू n, बताओ है या नहीं? ए रेस टू की एन की टर्म मेरे पास है या नहीं? कैन एवरीवन? है. दिस इज योर ए रेस टू एन. ए क्या है आपका? ए इज टू और एन क्या है यहाँ पे? डोंट कंफ्यूज एन एंड एम. एन इज टू, इज इट टू रेस टू टू एंड नथिंग बट ये आपका क्या हो गया? टू रेस टू टू मीन्स वॉट? दिस इज द टर्म ऑफ वॉट? देखो कितने लोगों को समझ में आ रहा है और कितने लोगों को इंटरेस्ट है. ए रेस टू एन की टर्म हो गई है क्या? यस यस मैम. ओके, एंड नेक्स्ट टर्म मुझे क्या चाहिए? एक्स प्लस बी रेस टू पावर एम माइनस एन. ये जो मेरी टर्म है, इज इट एक्स प्लस बी रेस टू पावर एम माइनस एन? एम क्या है? थ्री. थ्री. एन क्या है? थ्री. एन एन टू टू. तो थ्री माइनस टू पावर है इसका वन. यस पावर वन. सो दिस इज माय टर्म इज एक्स प्लस बी रेस टू पावर एम माइनस एन. अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है हर एक फॉर्मूला, फॉर्मूले का प्रूफ भी नहीं. इट इज नाउ यू सो, बट एक फॉर्मूला यहाँ पे मैंने करके दिखाया कि हाउ वी आर गेटिंग. दिस इज यूर एक्स प्लस बी रेस टू पावर वन, नथिंग बट थ्री माइनस. सो इस वे से हर एक फॉर्मूला आता है. क्लियर दिस? दोज हु आर अटेंडिंग दिस, इज इट क्लियर? एनी डाउट हियर? और यहाँ पे हमारा एन लेस देन एम था या नहीं? एन क्या था हमारा? टू. एम क्या था हमारा? थ्री. Every condition here I explained. Any doubt here? No doubts, ma'am. Clear हुआ कि formula में ये m कहाँ से आया, m minus one कहाँ से आया, a raise to n कहाँ से आया, power m minus n क्यों आता है? But अभी इसको use करना is very simple. Use करना is very simple. See here now. अभी इस formula, second formula. ये formula हमने लिखा था minus one raise, sorry, first ना. एम एम माइनस वन एम. आपको सिर्फ ये याद रखना है, नो नीड टू रिमेम्बर दिस एंड दिस. अपने आप आ जाता है जब आप एम एंड ए की वैल्यू पुट करते हो. कैन यू टेल मी वन थिंग कि आपका आंसर एम में आएगा ऑलवेज या एन में आएगा? ऑलवेज आंसर किस में आएगा? हम एन एथ डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो एन में आएगा ऑलवेज आंसर आपका. एम की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू है ना. ऑलवेज जब आप आंसर लिखोगे तो आपका आंसर एन में आएगा. अभी मेरा सेकंड फॉर्मूला है. सेकंड फॉर्मूले में ये याद रखने की, जो जो मैं बता रही हूँ टिक करके रखो. यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन, यू हैव टू रिमेम्बर दिस वन. इससे अच्छा है आपको ये फॉर्मूला याद रखो. हम अप्लाई करने के टाइम वी आर अप्लाइंग दिस वन. ओके, सो सेकंड फॉर्मूले में वन अपॉन है एक्स प्लस बी रेस टू पावर एम माइनस वन रेस टू एन, एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल.
upon m minus 1 factorial a raise to n upon this. इसको इंटरेस्ट है वो ऐसे एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखो. अभी कैन यू टेल मी कि y इज इक्वल टू x रेस टू m और ये इज इट सेम फॉर्मूला. नो नीड टू रिमेम्बर थर्ड बिकॉज थर्ड इज सिमिलर टू फर्स्ट. वाई एनी वन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? रोल नंबर 12 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 12 is absent. Roll number 17 is absent. Roll number 13. What is the value of A here? Yes. Roll number 13. Aditya Jadhav. What is the value of A there? 13 is present. बोलो वो इज 13 अब्सेंट. गलती से मैंने लिखा है क्या? प्रेजेंट. ओके 13 इज अब्सेंट. 15 इज प्रेजेंट और नॉट? यस मैम. हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए देयर? 1 करेक्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? 0 करेक्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? एम मैम एक मिनट. हाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सॉरी एम एज इट इज एम है ना करेक्ट. सो कैन यू टेल मी कि फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्मूला इज सेम? यस मैम. यस सो नो नीड टू रिमेंबर. एटलीस्ट यू मस्ट बी अटेंटिव व्हेन वी आर टीचिंग हियर. ओके हमें भी तो समझ में आना चाहिए. आपको कितना समझ में आ रहा है? सो गुड. So y is equal to a x plus b raised to power m. तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, m as it is. So no need to remember third formula. Third and first is the same. जब आप अप्लाई करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा. ओके फोर्थ फॉर्मूला y is equal to log of a x plus b, then y n is equal to minus 1 raised to n minus 1. n minus 1 factorial a raised to n upon ax plus b raised to power n. ये upon क्यों आएगा? Because log का derivative होता है 1 upon x. तो 1 upon ax plus b की term always रहेगी, इसलिए 1 upon x plus b raised to power n आया. ax plus b है, जब आप ax plus b का derivative आएगा तो always a रहेगा, a raised to n. तो इस वजह से आपको अभी आपको सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न करने हैं. बट हाउ वी आर गेटिंग, जिसको इंटरेस्ट है वो एक एक एग्जांपल लेके, जैसे मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया, आप एक दो डेरिवेटिव्स लेके करके देख सकते हो. फिफ्थ डेरिवेटिव y इज इक्वल टू a रेस टू mx, yn इज इक्वल टू m रेस टू n a रेस टू mx log a रेस टू n. कैन एनीवन टेल मी y log a इज देयर? मैम बिकॉज़ इट इज इन द फॉर्म ऑफ a रेस टू x. करेक्ट, बिकॉज ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए, है ना. तो एवरी टाइम ए रेस टू एम एक्स आएगा जो भी यहाँ पे रहेगा, एंड लॉग ए इसकी वजह से लॉग ए आया. वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, सबसे सिंपल फॉर्मूला. आपको पता है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू एम एक्स है, ई रेस टू एम एक्स ऑलवेज आएगा. और ये एम रेस टू एन क्यू आया है? जो भी पावर रहेगा यहाँ पे, जो भी नंबर, जैसे ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव होता है 2e raise to 2x, तो वो 2 रिपीट होगा, इसलिए m raise to n. So remember all these formulas mostly. अभी हमें फॉर्मूले जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो बेस्ड होता है, फोर्थ नहीं होता है, फिफ्थ नहीं होता है, सिक्स नहीं होता है. आपको याद रखना है जो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं वो है आपका सेकंड फॉर्मूला. सो सेकंड फॉर्मूले पे स्टार करके रखो. सेकंड फॉर्मूला सबको आना ही चाहिए, सेकंड. ओके ठीक है, 1 to 6 में से सेकंड सबको आना चाहिए. उसके बाद सेवन फॉर्मूला y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, देन वाई एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय टू. साइन एंड कॉस का सेम ही है, सिर्फ साइन की जगह पे कॉस हुआ है. कैन एनी वन टेल मी एन पाई बाय टू क्यों लिखा है? एनीवन? गेस करो.
I will tell you, but guess करो anyone. जैसे मैंने y1, y2, y3 लेने के लिए जाऊंगी, अगर मेरे पास y is equal to sin x है, तो y1 क्या आएगा? First derivative क्या आएगा? Cos x. Cos x. Next derivative क्या आएगा? Minus sin x. है ना? उसका next लिया तो फिर से cos में जाएगा. Sin cos alternative हो रहा है. But मैंने तो nth derivative में सिर्फ मुझे क्या लिखना था? साइन साइन में लिखा है ना फॉर्मूला. अभी मुझे बताओ कि फिर क्यों आया पाई बाय टू, क्यों एडजस्ट किया यहाँ पे? मैम प्लस पाई बाय टू से चेंज होता है मैम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. करेक्ट, गुड. साइन पाई बाय टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा इज साइन थीटा. तो जनरलाइजेशन के लिए साइन का फॉर्मूला साइन में, कॉस का फॉर्मूला कॉस में लिखने के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? पाई बाय टू एडजस्ट किया है. ओके, क्लियर? यस मैम. तो ये सेवंथ एट सेम फॉर्मूला है, तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जांपल. यहां तक आपके सब फॉर्मूलीज आपको यूज करने किसमें? एग्जांपल्स में. दिस नाइन्थ टेंथ भी सेम है एंड इलेवन ट्वेल्थ सेम है. इसमें से रेयर आता है. अब यहाँ y is equal to simply sin ax plus b नहीं है, e raise to x sin bx plus c, then yn is equal to r raise to n e raise to ax sin, ये magnitude और angle के form में जाता है, sin bx plus c plus n phi. So यहाँ पे r की value होती है root of a square plus b square, phi की value होती है tan inverse b by a, amplitude और magnitude का concept है. सेम फॉर्मूला है, सिर्फ साइन एंड कॉस इंटरचेंज हुआ है. एंड के रेस टू एक्स में भी सेम फॉर्मूला है, आर रेस टू एन के रेस टू एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन फाइव. आर इज लॉग ऑफ के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइव टेन इनवर्स. ये मोस्टली आता नहीं इलेवन ट्वेल्व, बट यू रिमेम्बर टेन इनवर्स बी बाय लॉग के. सो अप टू दिस ट्वेल्व फॉर्मूलीज आर देयर. आउट ऑफ दिस आई टोल्ड यू फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला, सेवंथ एंड एट्थ फॉर्मूला वो सेम ही है. ठीक है, एंड कभी कभी ये भी आता है नाइन्थ एंड टेंथ. सो थ्री और फोर फॉर्मूलीज प्रॉपरली आपके लर्न होने चाहिए. डेली वंस यू ओपन द फॉर्मूलीज एंड रीड इट. ओके, सो दिस यू हैव टू सॉल्व. अभी हमें यहाँ पे देखना है कि ये फॉर्मूलीज हमें कब यूज करना है, फॉर्मूलीज हमें कब यूज कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते. ओके, आई विल शो यू हियर. इफ आई हैव रिटन हियर, सी हियर नाउ, अगर मेरे पास है वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, आई कुड नॉट अप्लाई डायरेक्टली फॉर्मूला. मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकती हूँ जब तक मैं इसको वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन, प्लस माइनस हमें नहीं पता है, जब तक मैं इसको सेपरेट नहीं करती. ठीक है, समझ में आ रहा है? जब मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है तो एट ए टाइम ऐसे नहीं एक्स माइनस वन के लिए अलग अप्लाई कर दिया, एक्स माइनस टू के लिए नो. जब तक आप इसको सेपरेट नहीं करते हो टर्म्स को, तब तक मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई एम राइटिंग दिस लाइक दिस, अगर मेरे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है तो भी मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकती हूँ जब तक मैं इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करूंगी. समझ में आ रहा है? एट ए टाइम एक सेपरेट टर्म के लिए ही फॉर्मूला अप्लाई होगा. सो जब तक मल्टीप्लीकेशन में कितने भी टर्म्स है, जब तक आप उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट नहीं करते हो, तब तक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है. गेटिंग दिस एवरीवन? ये पॉइंट समझ में आया? यस, एट ए टाइम एक ही टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा. ओके, फिर मुझे इसको सेपरेट करना है प्लस माइनस में, ऐसे अपने मन से तो नहीं लिख सकते ना वन अपॉन एक्स माइनस, दिस इज रॉन्ग. इसके लिए डू यू रिमेम्बर यूर 12th क्लास मेथड? व्हाट इज दैट मेथड? ये मेथड जो मैंने लिखा है, डू यू रिमेम्बर दैट मेथड?
What is this method is called as, anyone? P upon Q form. हाँ, ये मेथड को क्या कहते हैं? When we are applying this method, 12th में हुआ है, याद करो, इंटीग्रेशन में. मैम ऊपर वेरिएबल होगा, नहीं कांस्टेंट होगा, नीचे ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक नहीं है ना, यहाँ पे तो मैंने क्यूबिक लिखा है. याद करो, याद करो, we are close to that. What is this method? इसका नाम क्या है? Anyone remembers? और ये आपको सेम थ्री में लगने पार्शियल फ्रैक्शंस. करेक्ट, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, गुड. और ये सेम थ्री का पूरा मैथ्स इसी के ऊपर में, सेम थ्री में लैपलास में ये आपको करना है. ओके, कब यूज होती है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड? व्हेन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू अ डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. हाँ डिग्री, बट इक्वल टू क्या? इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर. नहीं ना, इक्वल टू रहा तो नहीं यूज कर सकते ना. फिर यहाँ पे तो इक्वल टू नहीं है, फिर भी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन लिखा है. लेस देन. यस, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. न्यूमरेटर की लेस देन एंड डिनोमिनेटर की ग्रेटर देन. रिमेंबर दिस, when degree of the denominator is greater than degree of the numerator, you are going to apply partial fraction method. और अभी जो तुमने कहा था ना equal to, what's your name? Akanksha. Akanksha, what you said कि degree of the denominator is equal to numerator ना, that time also we are going to apply partial fraction, but that time मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to divide numerator by denominator first by long division method जो अभी मैंने रब किया. मुझे numerator को, अगर यहाँ पे x square है तो भी partial fraction ही apply होगा. देखो x into x, x square, ये भी x square, तो भी partial fraction ही apply होगा. but उस time मुझे इस x square को इस denominator से x square plus 2x plus sorry x square plus 3x plus 2 इसका जो भी multiplication आएगा, डिनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर को डिवाइड करो. फिर डिविडेंड इज इक्वल टू, ये आगे का है, डिविडेंड इज इक्वल टू, पता है ना क्या होता है? याद है क्या? डिवाइजर इनटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखो, और फिर आगे डिसाइड करो क्या करना है. आगे पार्शियल फ्रैक्शन ही अप्लाई करना पड़ता है. That is also correct. But every time, what is the condition? Degree of the denominator. यह हमें rarely आता है. Degree of the denominator is greater than numerator. Always partial fraction method. Equal to है तो पहले long division, बाद में partial fraction. Okay? हाँ. Okay. Now, how to take the constants? How to take the constants? ये note down करके रखो partial fraction का आपके पास. ये सब sem 3 में लगने वाला है. What type of the factors? What type of the factors? These are called linear factors. है ना? X plus 1, for example, लिखा है. X plus 1, X plus 2, X plus 3, कितने भी हो जाए. जितने factors और जितने degree denominator की उतने constants. Degree of the denominator, जो अभी 2 है ना, X into X, 1 नहीं है. ये सब multiply होगा तो X square में आएगा ना ये. Degree of the denominator 2, two constants. ठीक है? How to separate the factors? A upon x plus 1, b upon x plus 2. अगर इसके पास सात और थर्ड फैक्टर है तो क्या आता? क्या आता? Yes? प्लस सी अपॉन एक्स प्लस जो भी आएगा. जितने फैक्टर्स उतने कॉन्स्टेंट. अगर मेरे पास थर्ड फैक्टर है तो मैं थर्ड. ओके, सो जितने डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर उतने कॉन्स्टेंट्स आपके पास आएंगे. दिस इज द फर्स्ट रूल. हमें जो जो अभी लगने वाला है उतना ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूं. फिर कैन यू टेल मी इसमें कैसे फैक्टर्स है? ये रिपीटेड में जा रहा है, ये नॉन रिपीटेड में लीनियर फैक्टर है. रिपीटेड में अगर इसकी डिग्री क्या है डिनोमिनेटर की? एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर? थ्री. करेक्ट, तो कितने कॉन्स्टेंट्स आने चाहिए? थ्री कॉन्स्टेंट्स. ओके,
बट रिपीटेड फैक्टर तो ऐसे नहीं कि दो बार रिपीट हुए तो सिर्फ एक्स प्लस वन दो बार रिपीट करेंगे. नो, व्हाट इज द रूल सेज, ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वेयर, सी अपॉन एक्स प्लस टू. दोनों रूल आपको लिख के रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर. जितने डिग्री उतने कॉन्स्टेंट्स. लीनियर फैक्टर है तो सिंपल ही है, जितने बार फैक्टर से उसको लिखते जाओ. रिपीटेड फैक्टर है, दो बार रिपीट हुआ तो ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वेयर, सी अपॉन एक्स प्लस टू. अगर मैं लिखती हूँ सिर्फ सीयर, अभी अगर मैं लिखती हूँ एक्स अपॉन, ये सिंपली एक्स अपॉन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स प्लस वन भी हो सकता है, वॉट एवर, वी डोंट नो. अगर मैं लिखती हूँ वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का क्यूब, कैन यू टेल मी कॉन्स्टेंट किस फॉर्म में आएंगे? थ्री लिखती हूँ, बताओ व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर. यस, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर? थ्री. हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स, हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स देन? हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स? थ्री. थ्री डिग्री, थ्री कॉन्स्टेंट्स, याद रखो. व्हाट आई विल राइट, एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री रिपीटेड फैक्टर, बी अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, करेक्ट, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, सी अपॉन, हाँ, सी अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब, करेक्ट. सो दिस वे, अभी ये हमें नहीं लगने वाला है, बट यू हैव टू रिमाइंडर फर्स्ट एंड सेकंड. रिपीटेड फैक्टर है तो रिपीटेड लिखते जाना है, जितने डिग्री उतने कॉन्स्टेंट्स. रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड दोनों है तो पहले रिपीटेड को कंप्लीट करो, बाद में नॉन रिपीटेड लिखो. नॉन रिपीटेड नहीं है, सिंपली लीनियर है, तो ए बी सी डी लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड विच यू हैव डन इन यूर ट्वेल्थ ऑलरेडी. ठीक है, शैल वी गो फॉर द एग्जाम्पल्स नाउ? क्लियर दिस, अप टू दिस, एनी डाउट? Now see, first example is written, y is equal to x upon x plus, partial fraction का एक आएगा, partial fraction का और एक sin x cos x, simply. और इसके ऊपर दो ही marks, दो mark का एक example objective में आएगा. इसके बाद जो Leibniz है, that is most important, वो आता ही. ठीक है, x upon x plus 1, x minus 2, find yn or find nth derivative. अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है या डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा है, तो आई टू गो फॉर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. ओके, हैव यू रिटन? इफ y इज, एग्जांपल राइट डाउन, इफ y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, फाइंड y n. कितने लोगों को याद है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, याद है क्या? We'll solve here. Here I'm going to do the changes. What is the example is given? X upon y is equal to x upon x plus 1 upon x minus 2. Is it given? X minus 2. So let's write x minus 2 here. Abhi linear factor mein hai wo? Is it linear factor? So a upon x plus 1 plus b upon x minus 2. Do you know how to solve this? Ye to as it is rahega, x upon x plus 1 x minus 2. What is the LCM of this? Is it the LCM x plus 1 x minus 2? And ye cross multiply ho jata hai, a into x minus 2 plus b into what? X plus 1. Clear? So, इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. लीनियर फैक्टर्स थे x प्लस वन, एक्स माइनस टू. सो ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू एक्स माइनस टू, b इंटू एक्स प्लस वन अपॉन दिस. अब ये सेम सेम डिनोमिनेटर गेट्स कैंसल्ड एंड व्हाट यू आर गेटिंग, व्हाट यू आर गेटिंग, x इज इक्वल टू
ए इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। और यहां से हम लिखेंगे अभी, हाँ, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट द वैल्यूज? यस, याद है क्या किया ये सब कुछ? ए मिलने के लिए बी को जीरो करना है, बी मिलने के लिए ए को जीरो करना है। बी कब जीरो होगा? व्हेन आई विल सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू व्हाट? माइनस वन। माइनस वन, और दोनों साइड में पुट करते, याद है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस बी जीरो हो रहा है। कैन यू टेल मी देयर फोर व्हाट इज ए इज इक्वल टू? वन अपॉन थ्री। वन अपॉन थ्री, करेक्ट, वन अपॉन थ्री। एवरी वन गॉट दिस? माइनस वन माइनस टू थ्री हो जाएगा, वन अपॉन थ्री। माइनस थ्री है तो माइनस वन बाय माइनस थ्री इज वन अपॉन थ्री। क्लियर? ए मिलने के लिए बी को जीरो किया, बी मिलने के लिए ए को जीरो करना है, तो व्हाट आई विल सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू टू। करेक्ट, सो एक्स इज इक्वल टू टू, टू माइनस टू जीरो, सो टू इज इक्वल टू ए जीरो रहा है प्लस बी इंटू व्हाट? टू प्लस वन। B लिखना बाकी है ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। What is B therefore? 8 by 3. इति? 2 by 3 ना? Yes. 2 by 3. Okay. Everyone got this? Clear? Clear up to this? So, A मिलने के लिए B को जीरो किया by putting x is equal to minus one, and B मिलने के लिए A को जीरो किया by putting x is equal to two. कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यूज अभी? इक्वेशन वन में। दिस इज योर y, ये y था x अपॉन x प्लस वन, x माइनस टू, a अपॉन x प्लस वन। अभी A और B की वैल्यू यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है? So I am putting now the value of A and B there. So my value of A is what? Value of A is what? 1 by 3. Shall I substitute here 1 by 3? And B ki value hai 2 by 3. Any doubt up to this? Got this up to this? अभी मुझे यह सोचना है कि मुझे वाई एन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। वाई एन के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई? गो टू योर पीडीएफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 upon x plus b raised to power m, है क्या? इज इट इन द फॉर्म ऑफ 1 upon x plus, ये 1 by 3 तो कॉन्स्टेंट है। कैन आई राइट दिस इज सेम एज 1 by 3 को बाहर कर देती हूँ, 1 upon x plus 1 रेस्ट टू पावर वन। कैन आई राइट लाइक दिस? प्लस 2 by 3 को भी बाहर करती हूँ, इंटू 1 upon x minus 2 रेस्ट टू पावर वन। इज इट लाइक दिस? तो फिर मुझे हमारे पीडीएफ से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? देखो यहाँ पे, हाँ, कैन यू टेल मी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा आएगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सेकंड, करेक्ट। इज इट इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू 1 upon x plus b raised to power m? हमारे टर्म और ये टर्म मैच हो रही है, 1 upon x plus b raised to power m, ओके? अभी यहाँ पे आते हैं फिर से, देखो सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, 1 upon x plus b raised to power m इज इक्वल, इफ फॉर्मूला नोट डाउन करना है पहले इफ, तो लर्न भी हो जाता है। इफ y इज इक्वल टू 1 upon x plus b raised to power m, देन इट इज y माइनस 1 raised to n, m प्लस n माइनस 1 factorial, m माइनस 1 factorial a raised to n upon this। क्लियर?
अभी मुझे बताओ ये फॉर्मूला अगर मुझे अप्लाई करना है, मेरी टर्म ये है एक्स प्लस वन रेस टू वन और एक्स माइनस टू रेस टू वन, तो मेरी ए की वैल्यू क्या है दोनों इसमें, दोनों इसमें मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ए की वैल्यू है वन दोनों में, कॉमन है तो मैं यही पे लिख रही हूँ, ये हमारे लिए अब समझने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। और एम की वैल्यू क्या है, वन करेक्ट, ए इज इक्वल टू वन, एम इज इक्वल टू वन, ओके। सो सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले में एम की वैल्यू वन पुट करना है, ए की वैल्यू वन पुट करना है, एन रिप्लेस होगा क्या, एन रिप्लेस होगा क्या, नो मैम नहीं, बिकॉज वाई एन ए तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, एन ए तो डेरिवेटिव, तो देखो यहाँ पे हियर आई एम राइटिंग विद दिस नाउ, ए इज इक्वल टू वन एंड एम इज इक्वल टू वन, आई विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दिस, ये देखो यहाँ पे देखो हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी, माइनस वन रेस टू एन, माइनस वन रेस टू एन, ठीक है, एम की वैल्यू वन पुट किए, एन एज इट इज, माइनस वन एज इट इज फैक्टोरियल, ए की वैल्यू वन है करके वन रेस टू एन डिवाइडेड बाय, एम की वैल्यू वन है करके वन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड हमारा ए एक्स प्लस बी क्या है पहले इसमें एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन एज इट इज, एम की वैल्यू वन, वन प्लस एन, दोनों इसमें सेम है, सो इट इज ए वन बाय थ्री जो है इसको आप ब्रैकेट कर दो एंड वन बाय थ्री आउटसाइड लिख दो, ठीक है, सो आई एम राइटिंग वन बाय थ्री आउटसाइड, देयर फोर वन बाय थ्री आउटसाइड एज इट इज, और ये हो गई आपकी वाई एन की वैल्यू, वन बाय थ्री को एज इट इज लिखा है, यहाँ पे सिर्फ एम को वन और ए को वन से रिप्लेस किया। सिमिलरली सेकंड मेरा कांस्टेंट था टू बाय थ्री, ये टू मैंने यहाँ पे लिखा है, थ्री यहाँ पे लिख देती हूँ, टू बाय थ्री आउटसाइड कांस्टेंट का, फिर से माइनस वन रेस टू एन एज इट इज, एम प्लस एन माइनस वन, एम की वैल्यू वन, ए रेस टू एन, ए की वैल्यू वन, एम माइनस वन, एम की वैल्यू वन, दिस क्लियर अप टू दिस, हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूला, आर यू वेटिंग दिस, ओके। अभी वन माइनस वन फैक्टोरियल क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल, एंड कैन डू यू नो व्हाट इज अ जीरो फैक्टोरियल इज, हाँ यस हाँ एक्स माइनस यस एक्स माइनस टू, व्हाट इज अ जीरो फैक्टोरियल, वन वन करेक्ट, इसलिए ये वन माइनस वन जीरो फैक्टोरियल होता है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया वन से, नो नीड टू राइट। अभी देखो व्हाट इज अ रिमेनिंग फ्रॉम हियर नाउ, ये वन बाय थ्री एज इट इज रहेंगे तो थ्री यहाँ पे लिख देती हूँ, माइनस वन रेस टू एन एज इट इज, ये वन कैंसल, एन फैक्टोरियल एज इट इज, वन रेस टू एन की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, वन रेस टू एन की वैल्यू ऑलवेज और वन रेस टू एनीथिंग ऑलवेज वन, तो वो नहीं लिखा है, ठीक है, एक्स प्लस वन, वन प्लस एन को एन प्लस वन लिखा सिंपली, ठीक है, यहां से भी ये टू बाय थ्री एज इट इज, ओके, फिर ये माइनस वन रेस टू एन एज इट इज, यहाँ पे भी वन वन कैंसल, वन रेस टू एन इज वन, सो एन फैक्टोरियल इज रिमेनिंग, एंड देन इट इज व्हाट, डिनोमिनेटर क्या आएगा आपका एज इट इज, थ्री एज इट इज, वन माइनस वन जीरो फैक्टोरियल वन, x minus 2 raised to n plus 1. Any doubt here? See, I'll show you from here. ये किया था हमने, is it? फिर ये cancel हुआ, फिर हमने constant find out किए, याद आया कि ये 12th में किया होगा ना? सब लोगों ने किया था 12th में ये partial fraction. तो यहाँ तक तो आपको आता ही है. फिर मैंने formula apply किया. वहां पे मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया आपको, ये देखो फॉर्मूला क्या था, माइनस वन रेस टू एन, एम प्लस एन माइनस, दो दो बार तीन बार बोलोगे तो लर्न हो जाता है, एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल, ए रेस टू एन,
m minus 1 factorial m plus सॉरी ax प्लस बी रेस्ट टू पावर m प्लस n। दोनों जगह पे सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, जीरो फैक्टोरियल वन पुट किया, ये देखो फॉर्मूला था, ये जीरो फैक्टोरियल वन सब्स्टिट्यूट किया एंड वन रेस्ट टू n इज व्हाट वन। गेटिंग अप टू दिस, एनी डाउट? क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? नो मैम। नो मैम। हाँ, यहाँ का जो थर्ड एग्जाम्पल है ना वो नोट डाउन करो, थर्ड वाला। टुमारो वी आर गेटिंग दिस फॉर्मुलिस का दो लेक्चर और लेबनीज का दो, ऐसे हमें कंप्लीट करना है। टुमारो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सेकंड एंड थर्ड। तो टुमारो आई विल सेंड यू दिस पीडीएफ। अभी आज एक पहले वाला फॉर्मुलिस आपको सेंड किया है, तो एक ही एग्जाम्पल किया है। तो ये थर्ड वाला एग्जाम्पल नोट डाउन करो, सेम है, इज इट सेम? और ये सॉल्व करके देखो, x अपॉन x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री। मैंने आपको सेकंड ट्यूटोरियल कल सेंड किया है ना मैट्रिक्स का, ठीक है? वो मैंने क्या कहा है, इसमें सैटरडे को बोला है ना आपको सबमिट करने के लिए, बिकॉज कल का दिन और आज का दिन और कल का दिन मीन्स थर्सडे फ्राइडे, पांच छह एग्जाम्पल है, दो दो एग्जाम, तीन तीन एग्जाम्पल लिख के कंप्लीट करो। सैटरडे को मैं असाइनमेंट के लिए, सैटरडे नाइट 12 o'clock तक आप वो सबमिट कर सकते हो। सी, डोंट सबमिट इट लेट, दैट अफेक्ट्स योर मार्क्स। आप टाइम पे सबमिट करो। आपको अगर पूरे 25 out of 25 चाहिए तो यू हैव टू डू योर सबमिशन प्रॉपरली ऑन टाइम। एवरी सब्जेक्ट का मैं बता रही हूँ, आपको क्लास में भी अटेंटिव रहना है, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन सभी, ऑल क्लासेस आई एम टेलिंग यू, बिकॉज अभी हमें इतना आइडिया नहीं है कि हु इज डूइंग एंड हु इज नॉट, बट यू बिलीव दैट किसी का भी लॉस नहीं होगा, एवरीवन विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, बट फॉर दैट आपके तरफ से भी उतना ही रिस्पॉन्स चाहिए। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, यू हैव टू बी पर्टिकुलर इन योर वर्क, ठीक है? बिकॉज अभी हमारे पास सब कुछ करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली यूर लास्ट एग्जाम कन्फर्म ही मोस्टली 99% 22nd अप्रैल से आपका एंड सेम यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट होगा। कहाँ, कब से? 22nd अप्रैल। अभी आपके पास कितना टाइम है वो आप नोट डाउन करो, उसमें हमें ऑल असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है ट्यूटोरियल, उसमें आपको ओरल वाइवा एग्जाम देनी है और उसके बाद हमें सिलेबस कंप्लीट करना है एंड एवरीथिंग वेयर टू कंप्लीट, ठीक है? सो कुछ भी पेंडिंग मत रखो, पेंडिंग रखोगे तो आपको फिर लास्ट में उतना लिखना, बिकॉज जब तक आपका पूरा सबमिशन आएगा नहीं आएगा तब तक आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाले। और सबमिशन नहीं किया और एक भी सबमिशन में अगर अब्सेंटी आई तो आपका रिजल्ट नल एंड वॉइड होता है, कुछ फायदा नहीं इतना सब कुछ करके। फिर समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम टेलिंग यू? नोट डाउन किया एग्जाम्पल? ओके, एवरीवन इज देयर? नाउ सी रोल नंबर 5, करेक्ट, 5 इज अब्सेंट, 8, 9, 12, 17, 18, 21,